मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात है प्रधानाचार्य परिषद की। प्रधानाचार्य परिषद की हुई बैठक में नए संशोधित मेन्यू के हिसाब से मिड डे मील बनाने पर ऐतराज किया गया। सभी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों ने इसके विरोध में एक ज्ञापन डीआईओ सर्विदत्त को सौंपते हुए नए मेन्यू के हिसाब से भोजन न बनाने पर सहमति जताई है। प्रधानाचार्यों ने इसके लिए हाथ खड़े करते हुए अपनी रसोइयों की दिक्कतों से डीआईएस को अवगत कराया है। बैठक में प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष जीपी सिंह, आदिल अब्बासी, जमशेद कमाल, डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, रऊफ अहमद सहित भारी संख्या में प्रधानाचार्य गण मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट फॉर्म इस मशहूर के साथ आशिकीन कवरेज की रिपोर्ट। मिड डे मील के संबंध में जो नया मेन्यू शासन से आया है, उसमें सप्ताह में दो दिन रोटियां बनवाकर बच्चों को खिलवाना है, जिसका हम भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि इंटर कॉलेजेस में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का प्रवेश रहता है। जूनियर क्लासेस में 6, 7, 8 में इतनी बड़ी संख्या को रोटी बनवाकर खिलवाना संभव नहीं है। विद्यालय में प्रधानाचार्य परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना में नए मेन्यू को लेकर के प्रिंसिपल्स, हमारे जनपद के प्रिंसिपल्स में रोष है। उसमें जो रोटी बनाने के लिए और दूध के लिए आदेशित किया गया है सभी प्रिंसिपल्स को, इसमें बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कोई भी हमारा जनपद का प्रधानाचार्य बच्चों को सिंथेटिक और नकली दूध पिलाने को तैयार नहीं है, वो बच्चे के भविष्य खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो इसलिए परिषद की बैठक करके उन्होंने तय किया है कि हम ऐसा दूध बच्चों को नहीं पिलाएंगे जिससे उसकी सेहत को नुकसान हो, और सबने एक मत होकर ये तय किया है कि पुराने मेन्यू के अनुसार ही विद्यालय में भोजन बनाया जाएगा। सरकार जो भी निर्णय देती है उसमें दे, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।